आज फेसबुक पे ट्विटर पे एक ट्रेंड चलते हुए देखा, यूट्यूब बैन। और ये हमारे मुल्क के लिए कोई नया ट्रेंड नहीं है क्योंकि पहले भी यूट्यूब बैन हो चुका है। यूट्यूब पे सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता लोगों को, यूट्यूब एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एजुकेशन है और सोर्स ऑफ लर्निंग है। चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप ग्राफिक्स एनिमेशन से हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, या आप कोई रिलीजियस मसला देखना चाहते हो या इंटरटेनमेंट आप हासिल करना चाहते हो, YouTube हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ YouTube बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स ऑफ इनकम है। हम पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं और अब इस पेंडेमिक के बाद जब सब लोगों की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसी सिचुएशन में यूट्यूब के बैन की बात सुनना बहुत ही अजीब लगता है। दुनिया आगे जा रही है, डिजिटल एज में जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, रिमोटली काम करने का कल्चर आगे बढ़ रहा है और हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की बातें हमें सुनने में आ रही हैं, जो कि यकीनन न सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है बल्कि सब लोगों के लिए नुकसानदेह है जो इस YouTube से एसोसिएटेड है, चाहे वो उससे अर्निंग कर रहे हों या वो उससे लर्निंग कर रहे हों, ये उन सब लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ये जो अवार्ड पीछे रखा हुआ है YouTube का, ये अवार्ड जीतना, ये अवार्ड हासिल करना, ये कोई आसान काम नहीं होता और उसकी अहमियत वही समझ सकता है जिसके पास ये अवार्ड है, जिसने 9 to 5 टिफिन लेके 40 साल तक नौकरी करी हो, वो शख्स इस अवार्ड की और इन YouTube के प्लेटफॉर्म्स की अहमियत को नहीं समझ सकता। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए वही लोग आगे आएँ जो इस फील्ड से रिलेटेड है, ताकि वो इन सब चीज़ों की डायनामिक्स को समझें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें।